तो स्वागत है दोस्तों एकदम नए वीडियो में आपका। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सीरीज़ कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ आपके साथ आइटनरी शेयर करता रहूँगा। तो आज के दिन मैं आपसे एक और नए जगह की आइटनरी शेयर करने वाला हूँ। और वो इसलिए क्योंकि हम में से बहुत से लोग जब भी जाते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ आइटनरी मस्ट है, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम हमारा ट्रिप कैसे प्लान करें। इस बार जिस जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है मॉरिशस। जी हाँ, बहुत ही सुंदर कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये है। और यहाँ पे अभी भी इंडियन टूरिस्ट जाने से पता नहीं क्यों इतना हिचकिचाते हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन खैर अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो इस ट्रिप के बारे में मैं आपको पूरी आइटनरी बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं और आपकी क्या आइटनरी होनी चाहिए। देखिए, मॉरिशस साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है वो है हमारे लिए वीज़ा फ्री है और ऑन अराइवल है, मतलब कि ऑन अराइवल वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। पोर्ट लुइस के लिए इंडिया से सिर्फ बॉम्बे से ही फ्लाइटें चलती हैं। अच्छी चीज़ वो मॉरिशस में हुए वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज ट्रबल नहीं आएगी आपको। जी हाँ, हिंदी यहाँ पे बहुत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस भी बहुत रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बहुत साल पहले जब यहाँ से काफ़ी जो इंडिया से काफ़ी इंडियंस को ले जाया गया था यहाँ पर एज अ स्लेव, उनको रखा गया था, उनसे काम कराया जाता था, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी नई पीढ़ी अब आ गई है, तो हिंदी वो बोलना जानती है, इसलिए आपको हिंदी लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी। खाने पीने की दिक्कत भी अब वहाँ पर नहीं आएगी। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत ये सुंदर है, और वास्तविकता में पानी की अगर आप सुंदरता देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको मज़ा आएगा। बाकी इसके वीडियो मैंने शेयर करे हैं, 2017 में हम वहाँ पे गए थे। तो आइए अब मैं आपको इसकी आइटनरी बताऊँ। मॉरिशस जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी वाला देश नहीं है, ना ही एडवेंचरस है, तो मैं फटाफट से आपको मॉरिशस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मॉरिशस में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि थोड़ा सा महंगा है, करीब करीब ऑलमोस्ट आपको दुगना ही पड़ेगा। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो है मॉरिशन रुपीज। दूसरी चीज़ ये है कि मॉरिशस का जो टाइम है वो 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से जो टाइम जोन है, तो ये भी आप चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉरिशस जब आप निकलेंगे, क्योंकि हमने ली थी फ़्लाइट बॉम्बे से एयर मॉरिशस की, बॉम्बे से इसकी कनेक्टिविटी है, तो मॉर्निंग में ही फ़्लाइट चलती है और करीबन आप 5 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है, तो दिन में आप पहुँचते हो, तो दिन में जब आप पहुँचोगे तो 2 तो आपको ऑलमोस्ट वहीं बच जाएगी, तो आपका पूरा दिन वो खत्म हो जाएगा। तो ख़त्म नहीं होगा, मतलब आपने रिसॉर्ट जाइए, चेक इन करिए और अपनी रिसॉर्ट प्रॉपर्टी यानी कि बीच प्रॉपर्टी पर आप इन्जॉय करिए, बहुत अच्छी बीच प्रॉपर्टियाँ उनकी होती है। तो ये तो आपका पहला दिन ख़त्म हो गया। मैं दिन इस अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 7 दिन है, मिनिमम 5 दिन आपको लेने ही चाहिए। सेकेंड डे आप जाएंगे मॉरिशस के नॉर्थन आइलैंड टूर पे। देखिए, मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, क्या बोल रहा हूँ, पोर्ट लुइस, वो है नॉर्थन पार्ट में, और जो एयरपोर्ट और रिसॉर्ट्स हैं वो है साउथ पार्ट में। तो आप जाएंगे पोर्ट लुइस कैपिटल की तरफ। पोर्ट लुइस की जो कैपिटल है वो बहुत छोटी सी है, ज़्यादा मॉरिशस की पॉपुलेशन भी नहीं है, 20-1 लाख है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, तो बहुत छोटा देश है, बहुत छोटी यहाँ की राजधानी है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा रेस कोर्स, घुड़सवारी होती ना, मतलब बोलो
तो रेस कोर्स में आपको मिलेगा। और ये रेस कोर्स जो हुआ था वो 1812 में बना था और ये सबसे ओल्डेस्ट रेस कोर्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस कोर्स है वर्ल्ड का। उसके बाद आप जब जाएंगे तो यहाँ वाटरफ्रंट पोर्ट लुइस पे वाटरफ्रंट भी है, तो आपका आप वहाँ हार्बर देखेंगे। और उसके अलावा वहाँ पे 170 शॉप्स हैं, 170-200 करीब शॉप्स हैं, तो वहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो। और वाइन के लिए बहुत फेमस है, रेड वाइन के लिए अगर आपको वो भी परचेज़ करनी हो तो आप ले सकते हो। मॉरिशस बहुत वैसे ही बहुत फेमस है, शुगर किंग के खेत दिखेंगे आपको। वापस होटल आएंगे, ये दिन आपका पूरा ख़त्म हुआ। कार आप ले सकते हो रेंट पे, क्योंकि जो ड्राइविंग है वैसी ही है इंडिया जैसी, लेफ्ट राइट वाली मिल जाएगी आपको, और कार भी रिजनेबल रेट में मिल जाएगी। तीसरे दिन आप जाओगे मॉरिशस के साउथ आइलैंड टूर पे, तो ये भी बहुत अच्छा है, फुल डे है। इसमें जो होगी वो आपकी, वो जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ क्या क्या होगी। पहले आप जाओगे ग्रैंड बेसिन में, एक तरीका का ये लेक है। दूसरी जगह जाओगे आप सेवन, जो यूनिक सेवन कलर अर्थ्स है ना जो मिलते हैं आपको, सैंड के सात रंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक ज्वालामुखी भी पुराना, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो एक्टिवेटेड नहीं है, बहुत हज़ारों साल पहले एक्टिव था वो। वो सब चीज़ें करने के बाद आप वापस होटल आ जाओगे, घूमो अपने रिसोर्ट या डिनर करो या जो भी आपको करना है। पहले कहा था कि एक्टिविटी वाला नहीं है मॉरिशस, बहुत शांत देश है और बहुत यहाँ पे मेनली लेजर के लिए लोग आते हैं। चौथे दिन, ये चौथे दिन का टूर उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको समुंदर बीच पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनके लिए तो जन्नत है। क्योंकि आप जाओगे इली उक्स कैरिब्स टूर, ये एक तरह का आइलैंड है मॉरिशस के पास ही बसा हुआ है। यहाँ पे आप स्पीड बोट से जाओगे, बहुत सुंदर है वो आइलैंड, बहुत सुंदर, मतलब मैंने फिर कहा ना जन्नत, वो है जन्नत। वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करिए और सुबह आप जाओगे 10-11 बजे, 2-3 बजे, 4 बजे तक आप वापस आ जाओ, क्योंकि 5 बजे बोटें वापस आना चालू जाती है, स्पीड बोट से आपको जाना पड़ेगा। ये आपका 14 दिन ख़त्म होता है। पांचवा दिन है आपका ओन लेजर के लिए, आप चाहो तो आप वाटर स्पोर्ट कर सकते हो अपने रिसॉर्ट में, या फिर आप कोई सी और भी रिसॉर्ट में स्पा ले सकते हो, स्पा के लिए बहुत फेमस है। ये सब करके आप अपने होटल में उस दिन आप रहोगे। छठे दिन आप वापस, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो आप एक सबमरीन सफारी भी ले सकते हो और सब स्कूटर ले सकते हो, ये भी एक एडवेंचरस राइड है, मतलब ले सकते हो अगर आपको लेनी हो, बहुत अच्छी है। पानी के अंदर जाना सबमरीन में, या फिर सबमरीन स्कूटर नहीं होते उसमें, तो वो आप कर लो। और सातवें दिन आप वापस आ जाओ। तो मैंने पहले कहा था कि एडवेंचरस ट्रिप नहीं होने वाला, ये ट्रिप जो मॉरिशस का वो इस तरह का होगा। एस्टिमेटेड खर्चा जो कपल का क्या रहने वाला है, उस टाइम करीबन जो एस्टिमेट खर्चा हुआ करता था वो था 140 से 150 कपल का। आज की तारीख में ये 2 लाख रुपये से कम नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट टिकट बहुत महंगे हैं, प्लस करेंसी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है और मॉरिशस महंगा भी अब पहले से ज़्यादा हो गया है। खाने पीने की अवेलेबिलिटी वेजिटेरियंस की है, मैंने आपको पहले ही कहा था, अब काफ़ी हो गई है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप जा सकते हो, वीज़ा फ्री है और वो भी ऑन अराइवल इंडियंस के लिए है, तो मज़े ही मज़े हैं आप लोग के। महीना भर का आपको मिल जाता है वीज़ा स्टे करने का, मतलब तो जा सकते हो। अच्छी जगह है, लेजर के लिए है, आराम के लिए है, शांति प्रिय है। अगर आपको मॉरिशस के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले डेस्टिनेशन से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। हाय गाइस, आज हम हैं जम्मू मॉल में, मॉरिशस का सबसे बड़ा मॉल, और आज वेदर थोड़ा खुला हुआ है, मॉल बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी धूप आज निकली हुई है। सुवेना जी आज भी थोड़ा थोड़ा शर्मा रही है और नहीं, बहुत अच्छा मॉल है मॉरिशस का, धूप बहुत अच्छी है और आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बाय।